सड़क पे क्या है बच्चों, बताओ बात बताओ। रहते सड़क पे, राशन चाहिए, झोपड़ी झोपड़ी में रहते, झुग्गी में रहते। महक आ रही किसी चीज की, उसकी आ रही है मेरे मुंह में से, गुटके की। गुटके की नहीं आ रही है, गुटके की नहीं है भैया महक। ना ना ना, सुलोचन ये महक है उसकी। सुलोचन सुलोचन क्या? सुलोचन होता है, सुलोचन पीने वाला, ये बोल रहा था। सॉल्यूशन की महक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सॉल्यूशन की महक आ रही है बिटिया, कहाँ से आ रही है? यही लोग हैं। कहाँ से आ रही? एक मिनट, जाइए मत, हम आपसे पूछ रहे हैं। बच्चे करते हैं सब, ये करते हैं। नहीं कर पीते, नहीं करते हैं, नहीं करती हैं आप, नहीं करते हैं बेटा। आप जाएंगे नहीं, अब नहीं जाएंगे आप, अभी तक जा रही थी ठीक है, अब नहीं जाएंगी, अब आप सवालों का जवाब देके ही जाएंगी। आप दोगी? हाँ देखो, ये इसका हो गया ना। इधर आओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी रहिए आप, खड़ी रहिए बेटा, हम आपसे बात करेंगे ठीक है। क्यों पीती है? एक मिनट शांत रहो बेटा, हम आपसे ये पूछ, इसका हो गया नशे की जरूरत, इसे चाहिए नशे की जरूरत। किसने? हाँ इसे चाहिए, और इसे चाहिए गुटके की नशा। हाँ मुझे चाहिए गुटके का नशा बस। और आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सॉल्यूशन जो है वो आपने पी रखा है? कैसे नहीं पिया? कैसे नशा होता? अच्छा बता दो, जानकारी दे दो। हाँ जानकारी दे दो बेटा, पकड़ के नहीं, हम पुलिस वाले थोड़ा है बेटा, ना हम सरकार के आदमी है। तुझे सुलोचन देंगे, और तुझे सुलोचन देंगे, और हम दिलाएंगे बेटा आपको, और दिलाएंगे बेटा हम आपको। बताओ क्या? इसकी मम्मी भी पीती, यही भी पीती है, जे भी पीती है सुलोचन। अच्छा क्या, कहाँ मिलता है बेटा ये सोल्यूशन? वो मुरादाबाद में, मुरादाबाद में मिलता है। तो आप लोग कैसे लाते हैं इसको? लेकिन हम ट्रेन से आते हैं। ट्रेन से लाती हैं? अच्छा कैसे, आपके पास डिब्बी पड़ी है क्या कोई? अभी नहीं है। कब से पी रही हैं आप ये? बहुत साल से। कितना साल हो गया? एक दो साल हो रही है। अच्छा अच्छा लगता है आपको ये पीना? नहीं लगता है। फिर क्यों पीती हैं? एक दूसरे को देख के पी लेते हैं। एक दूसरे को देख के पी लेते हैं क्यों? जैसे एक लड़की और कोई पीता है तो उसको देख के देख हम ला के पी लेते हैं। और हम मम्मी भी पीती हैं? नहीं मम्मी कोई बता रहा था कि मम्मी भी पीती हैं। मेरी अम्मी नशा नहीं करती। मेरी अम्मी पीती हैं, ज्यादा नहीं पीती है ना। ओए देखो मैं पीता हूँ, आप मसाला खाती हैं और आप सॉल्यूशन पीती हैं, आप नशा करती हैं, आपको पता है बेटा कि नशा करना खराब होता है? खराब होता है। फिर क्यों पीती हैं आप? मुझे सिखाया गया है। सिखाया गया? किसने सिखाया? सिखाने वाले कम है, बिगाड़ने वाले ज्यादा हैं। किसने सिखाया बेटा ये? बहुत लोग ने सिखाया मुरादाबाद में। अच्छा आप ये स्टेशन पे रहती हैं? हाँ। मांग कर खाती हैं? हाँ। सॉल्यूशन का पैसा कैसे आता है? पैसा कैसे आता है बेटा? पैसा नशा करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा कैसे आता है? मांगते हैं। अच्छा लोगों से मांगती हैं पैसा, उसके बाद नशा करती हैं? नहीं। हाँ होता क्या, हम समझ ट्यूब वाला। हाँ। ये लोग वो बच्चे, ये लोग भीख मांगते हैं। ये वो लोग नशा करते हैं, वो पीते हैं, मिल जाता है आम दुकानों पे। हाँ। वो ही पीते हैं ये लोग, उसी से नशा कपड़े में लगाते हैं। हाँ। फिर सूंघते हैं तो पीते हैं ये। अच्छा ये वो नशा है, ये तमाम बच्चे भीख मांगने वाले जो है, ये छोटे छोटे ये सब इसी में पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है इनको। इनको देखे जाए, पकड़ के ले जाए, इनको शिक्षा दी जाए अच्छी स्कूल में या उसमें पढ़ाई में। इनके माँ बापों से इन्हें छीना जाए, भीख मंगवा रहे हैं माँ बाप इनसे भी, ये वो कमा के ला रहे हैं। वो बच्चे नशा करते हैं, वो नशा करा के ये बच्चे छोटे छोटे सीख रहे हैं, स्टेशन में पड़े हुए हैं, चौक चराए हुए हैं, आस पास पड़े हुए हैं। इन्हें ले जाए अच्छे स्कूल में, शिक्षा दिया, इनका इलाज हो, सब ठीक हो जाएंगे ये लोग। ऐसा नहीं है ठीक हो जाएंगे ये लोग, अगर इनकी सुरक्षा कोई करे, जब कोई ध्यान नहीं देता प्रशासन की तरफ से, कोई ध्यान नहीं देता। जीआरपी तो देती है, जीआरपी कहती है इन लोगों को, जीआरपी डांटती भी है, जीआरपी उनको शिक्षा भी देती है, मगर ये रुकती नहीं है।
ये आदमी को रोकती है, समझाती है। खुले आम है। जब क्या नाम है बेटा? शबनम। शबनम नाम है आपका? मेरे पापा का नाम? पापा खत्म हो गए। मम्मा का नाम? मम्मी का नाम नाजमा। नाजमा, आप लोग शुरू से यहीं रह रही हो, मांग कर खाती हैं आप? हाँ। सॉल्यूशन कितने रुपए का आता है? नहीं भैया मैं नहीं पीती हूँ। अरे नहीं पीती तो नहीं, हमको पता है आप नहीं पीती हैं। आप हमें बता दीजिए कितने का आता है। मुझे नहीं पता। अरे आप तो जाती होंगी तो आपको जानकारी होगी। कहाँ से उपलब्ध होता है, कहाँ से मिलता है ये? यहाँ पर नहीं मिलता, मुरादाबाद में मिलता है, हड्डी मिल में। अच्छा, कैसे? हाथा मिल में। किस दुकान में मिलता है? किस तरह? मुरादाबाद में। किस तरह की दुकान होगी? स्टेशनरी रहती है क्या? ना ना ना, पेंट की दुकान है। पेंट की दुकान में मिलता है। क्या बोलती हैं आप उनसे, क्या चाहिए आपको? सोल्यूशन। कितने रुपए का मिलता है फिर ये? 50 का। 50 रुपए का डिब्बी आती है? कितनी बड़ी होती है डिब्बी? नहीं इतनी बड़ी होती, बस छोटी सी होती है। फिर कैसे है? फिर कैसे करती हैं ये? मतलब आपने डिब्बी ले ली दुकान से, फिर क्या करती हैं? रुमाल में डाल के पीते हैं। अच्छा, रुमाल में डाल के पीती हैं। सूंघती हैं कि पीती हैं? सूंघते हैं। अच्छा, नाक से सूंघती हैं? नाक से है ना, मुँह से। मुँह से सूंघती हैं पूरा। सब बच्चे पीते हैं। ये नशा फिर आपके माइंड पे चढ़ जाता होगा, सर पे चढ़ जाता? नहीं चढ़ता। नहीं चढ़ता, अच्छा लगता है। सब बच्चे पीते, छोटे छोटे बच्चे। अल्लाह, इतना झूठ बोलेगी, इतना मार। पीते नहीं के बच्चे बच्चे। हाँ मेरी बात सुनो, रुक जाओ। मुल्ला जी के मुल्ला जी के जो स्टैंड में रहते हैं वो इतने नन्हे नन्हे बच्चे, वो सब पीते हैं सुलोचन। ये बेटा बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरी मेरी बहन है जी, मेरी बहन है जी, मेरी बहन है। और जो बॉडी डालेगा उसकी, एक मिनट बताओ। हमें ये बच्चियाँ मिली, ये हमें अपनी समस्याएं बताने जा रही थी और हमसे कह रही थी कि भैया हम भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। तो हमने सोचा कि ये स्टेशन में रहती, इनसे बात करी जाए और उनसे जानी समझा जाए कि आखिर समस्याएं क्या हैं। लेकिन जब हम इनके पास गए तो हमें महक आई। जब महक आई तो महक से हम समझ गए कि इन्होंने नशा कर रखा है। जब हमने इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने बताया ये सॉल्यूशन पीती हैं। सॉल्यूशन जो है पेंट की दुकान में इनको उपलब्ध होता है, बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है, और बता रही हैं कि 50 रुपए का ये मिलता है। इस देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि जरा जरा से बच्चे जो हैं वो नशे की चपेट में हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी एक आदत पड़ चुकी है, ये स्टेशन पे आती हैं, लोगों से पैसे मांगती हैं और उसके बाद नशा करती हैं। ये भी एक तस्वीर है। हम सबको नहीं कहेंगे, हर बच्चे इस तरीके से नहीं होते हैं, लेकिन इनको हमने देखा है कि ये नशा कर रहे हैं। आप समझिए कि ये बच्चे का भविष्य है कि किस तरीके से सरकारें जो है खिलवाड़ कर रही हैं। पहले एक वाइटनर आता था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, उसके बाद ये मिलना बंद हो गया था। लेकिन उसी तरीके का ये सॉल्यूशन होता है जो कि पेंट की दुकान पे मिलता है। और ये नशा जो है ये बच्चे कर रहे हैं, और ये बच्चे केवल 5-6 की संख्या में नहीं है। बेटा दिखाना, बेटा दिखा दो, बेटा दिखा दो, दिखा दो। सबके पास है, दिखाना। अरे दिखा दो बेटा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।